सब वीर बलिदानी के कहानी होए, ई तिरंगा हमर देश के निशानी होए। Prabhakar Sharan from Costa Rica. I am the first Indian guy who has worked in Latin American movie as a hero. बहुत ही मुश्किल सफ़र है. It's not so easy कि आप किसी भी देश से उठ के चले आते हैं. हमारा कल्चर दूसरा होता है. और मैं बिल्कुल देसी आदमी था, बजरंग बली का पुजारी, प्योर वेजिटेरियन. माँ बाप का सिखाया हुआ ये कह लीजिए उदाहरण है. तो इन सब प्रिंसिपल को लेके एक ऐसे कंट्री में आप आ रहे हैं जहाँ आपको वेजिटेरियन फूड नहीं मिलेगी, जहाँ आपको आपकी लैंग्वेज नहीं मिलेगी. सबसे बड़ी बात है, आप किसी से भी बात कीजिए तो आपको स्पेनिश में ही करना होगा. इंग्लिश तो हम चले सारे इंडियंस जानते हैं, लेकिन आपको स्पेनिश में बात करनी होगी. तो हाउ हार्ड इट इज़, जस्ट इमेजिन. तो फिर मैंने सोचा वापस चला जाऊँ. तो आपको पता है हमारे यहाँ बहुत ही मेहनत से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं. उन लोगों ने भी कहीं कहीं से उधार लेके किसी से मांग के, मैंने भी कहीं उधर से पैसे करके भाइयों से लेके, और जब मैं यहाँ पहुँचा था सबको आने के लिए थोड़ा पैसा लगता ही है. कभी टिकट के लिए, कभी इमिग्रेशन के लिए, कभी रहने के लिए, कभी डॉक्टर के लिए, कभी पढ़ाई के लिए, हर चीज़ में पैसे तो लगते हैं आपके. तो मैंने भी इधर उधर से करके पैसे इकट्ठे करके आया था. अगर वापस जाता तो बहुत बड़ी मेरे परिवार के लिए एक मजाक बन जाता कि ये फॉरेन गया था, ये देखो क्या करके आ गया. 10 साल तक तो मेरी बहुत स्ट्रगल रही. स्ट्रगल ऐसी रही, मैं पहले मुल्तानी मिट्टी भी बेचता था लाके. जो हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो बिहार इंडिया में जो हमारे को चीज़ें सस्ती मिलती थी मैं वहाँ से लाके यहाँ इंपोर्ट करता था, बेचता था. उसके बाद मैं अगरबत्ती लाके बेचने लग गया. उसके बाद मैं कपड़े लाके बेचने लग गया. और मेरी स्टोर्स होती थी, 12-14 स्टोर्स होती थी उस समय. तो आई डिड अ लॉट. और लास्टली 2010 में मेरी कंपनी फिर ब्रेक कर गई, मैं फिर जीरो पे आ गया. तो ये सब करने के बाद मुझे मौका मिला फिल्म बनाने के लिए. और फिल्म बनाने के लिए आपको पता है पैसे चाहिए होते हैं. मैं मिला तेरेसा रोड्रिगस सर्दस. सी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फिलान्थ्रोपिस्ट एंड वेरी फाउंडर ऑफ मैनी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स. एंड उनका एक बहुत बड़ा करियर है लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में. और मैं उनके पास पहुंचा अपनी स्टोरी लेके. मैंने उनको बताया कि मैडम मैं ऐसा फिल्म करना चाहता हूं जिसमें गाना होगा, सॉन्ग्स होगा, एक्शन होगा. तो सबके लिए ये क्या मजाक था, ये कौन सी फिल्म बनाने की बात कर रहा है कि एक ही फिल्म में गाना भी होएगा, एक ही फिल्म में एक्शन भी होएगा, एक ही फिल्म में रोमांस भी होएगा, ये कौन सी फिल्म की बात कर रहा है. तो उन्होंने विश्वास किया. मोर देन 70 लोगों ने काम किया हुआ है एज ए टेक्निकल पर्सन. मोर देन 1200 लोगों ने काम किया है फिल्म में, एक्टर्स और एक्स्ट्रा. So everybody, you know, they united everybody, and then we created this history. मैं कोई हीरो जैसा दिखता तो हूँ नहीं. तो लोग बोले तुम कहाँ से हीरो बनने चले आए हो यार, तुम जाके कुछ और काम करो. हीरो बनना बहुत यहाँ पे बॉम्बे में लोग काफ़ी साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो तुम क्यों अपना ये कर रहे हो. तो मैंने इसको एज ए ये निगेटिविटी नहीं लिया. मैंने इसको ये सोचा कि चलो ठीक है, हमारे पास आज इतना अप्रोच नहीं है, जान पहचान नहीं है, पैसा नहीं है. टैलेंट तो है, टैलेंट तो मैंने यहाँ दिखाया है, तो टैलेंट तो था मेरे पास. तो मैंने बोला कि आज नहीं यहाँ मौका मिला है, फिर कभी आगे ज़रूर मिलेगा. मैं लैटिन अमेरिका आया. अगर मैं वहाँ हॉलीवुड जाता तो सेम इन हॉलीवुड, यू नो, देर मस्ट बी अ स्ट्रगल. आई हैव नेवर बीन टू डू द स्ट्रगल देयर. नाउ आई हैव गॉट माई एजेंसी, आई हैव गॉट माई पीपल हु इज़ वर्किंग विथ मी. सो उस समय में 2000 में ना तो इतने हमारे पास पैसे थे कि जाके अमेरिका में रह सकूँ, ना मैंने कभी ये सोच में भी मैंने नहीं लिया था कि मैंने अमेरिका अब यहाँ से जाना है. मैंने आया था मैं कोस्टरिका, और मैंने विद इन अ मंथ जब मैंने फाइनल डिसाइड कर लिया कि मुझे कोस्टरिका में ही रहना है, तो मैंने ये सोच बना ली थी कि मुझे यहीं से कुछ ऐसा काम करना है जिससे मेरे देश भारत का नाम ऊँचा हो, सारे भारतीयों को गर्व हो कि हमारा भाई वहाँ बैठा है, हमारा बेटा वहाँ बैठा है. सेकेंडली, फिर मैंने ये ज़रूर सोचा है कि यहाँ से मुझे और आगे काम करना है, और 100% एक दिन मुझे हॉलीवुड में भी काम करना है. बहुत जल्द हो सकता है एज ए इंडिपेंडेंट एक्टर काम करूँ किसी प्रोजेक्ट में. तो ऑब्वियसली आई एम वेलकमिंग टीवी सीरीज़, आई एम वेलकमिंग वेब सीरीज़, जो मैं खुद करना चाहता हूँ फॉर अवेयरनेस ऑफ मूवी इंडस्ट्री, फॉर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर न्यू पीपल. सो ऐसे करके मैं एक वेब सीरीज़ भी बना रहा हूँ.
ये मूवी मैंने खुद अपने वॉइस में हिंदी में भी डब किया है, भोजपुरी में भी डब किया है, एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग इट टू डब इट इन तमिल एंड पंजाबी, बट राइट नाउ द हिंदी एंड भोजपुरी वर्जन इज रेडी. भोजपुरी फिल्म आई विल टेल यू मैं ज़रूर बनाना चाहूँगा, लेकिन जो भी मेरी फिल्म बनेगी या कभी भी आगे मैं कभी मौका मिले तो मैं बनाऊँगा, तो इट शुड बी इंटरनेशनल. वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए बनेगा. मैं एक ही बार बोलूँगा क्योंकि दूसरी बार मैं तोड़ूँगा.